के नाम पर पश्तूनख्वा वतन में एक बड़ी तादाद में तबाही मचाई गई है और रियासती इदारों के अहलकार जो है वो जंगली जराये में मुलविस है। तो इस पर पश्तून तहफ्फुज़ मूवमेंट ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन का मुतालबा किया गया है। सैकड़ों की तादाद में जहाँ पे चेक पोस्टें मौजूद हैं उन पर रोजाना की बुनियाद पर अवाम को तंग किया जाना, अवाम की तजली की जाती है। से आवाम की मोहब्बत इत हद तक है कि पश्तून तहफ्फुज़ मूवमेंट का इस टाइम किसी भी सियासी जमात से किसी किस्म का मुकाबला नहीं है। पश्तून तहफ्फुज़ मूवमेंट मजलूम आवाम की आवाज़ है, मजलूम अकवाम की आवाज़ है और ये इसकी मकबूलियत सिर्फ इस खत्ते में नहीं बल्कि आलमी सतह पर पश्तून तहफ्फुज़ मूवमेंट एक मकबूल तहरीक बन चुकी है। जो कारोबार का सिलसिला चल रहा है उसके ऊपर पश्तूनों को रोका जाता है तो इन तमाम अमलियात के खिलाफ पश्तून तहफ्फुज़ मूवमेंट का 27 नवंबर को जलसा होगा। हम आवाम से मुतालबा करते हैं, अपील करते हैं कि आवाम आए, हम पीछे पश्तून तहफ्फुज़ मूवमेंट के इस जलसे में शिरकत करें ताकि जुल्म करने वालों रियासती इदारों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करके इनके जुल्म बर्बरियत को बंद किया जाए।